मिसेस केसर सूरज राजकौर, विल यू बी माई वैलेंटाइन? एक मिनट भाई, फोटो। शादी के तुरंत बाद पंडित जी ने केसर और मुझे 21 दिन के लिए दूर रहने के लिए कहा था। आज वो 21 दिन पूरे हो गए। सो टेक्निकली आज हमारी शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, आज वैलेंटाइन डे भी है ना केसर? कांग्रेचुलेशंस। हैप्पी वैलेंटाइन। खुश रहो बच्चों। कांग्रेचुलेशंस। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, किसी की नजर ना लगे बेटा। खुश रहो बेटा। आज तुम्हारी वैलेंटाइन नाइट को मैं बहुत स्पेशल बनाने वाला हूं। गेट रेडी बेबी, क्लॉक इज टिकिंग। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। मासू, अपना आशीर्वाद दीजिए, आज एक बड़े क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी और तेरी पर्सनल लाइफ में भी। आ मेरे साथ। कहाँ है मासू? हे अंबे माँ, पिछले दिनों बहुत बुरा हुआ है इस घर में, बस एक खुशी दे दीजिए, केसर और सूरज को एक कर दीजिए। इनके जीवन में आप कोई और अड़चन मत आने दीजिएगा। केसर बेटा, मैंने खुद तुझे और सूरज को 21 दिन के लिए एक दूसरे से अलग रखा था, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि सूरज तेरे लिए सही है या नहीं। पर अब मेरा हर शक दूर हो गया है। मुझे भरोसा है कि सूरज तेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मैंने खुद महसूस किया है कि वो पूरी तरह बदल गया है। फैक्ट्री में आग भी मैंने ही लगाई है। तुम मुझे अच्छा बेटा बनाना चाहती हो ना? उल्टा मैं ही तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी बहू बनाकर रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किए बिना छोड़ूंगा नहीं। और इसलिए अब मेरी इच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो। मेरे मन में ना तो सूरज को लेके कोई प्यार है और ना ही इज्जत। क्या मासू, मैं और सूरज कभी सही मायने में पति पत्नी बन ही नहीं सकते, क्योंकि जिस शादी में इज्जत और प्यार ही नहीं है वो शादी असली शादी हो ही नहीं सकती ना। ये तो क्या कह रही है केसर? हाँ मासू, आपके और पंडित जी के दिए हुए 21 दिन खत्म हो गए, पर मेरे और सूरज के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होगी। हम कभी भी पति पत्नी का रिश्ता शुरू नहीं कर सकते मासू। ये क्या सुन रही हूँ मैं? केसर? नहीं, नहीं। मासू! क्या हुआ केसर? तू सूरज के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुश है ना? हाँ, मैं खुश हूँ मासू।
बहुत खुश हूँ। वासु मैं चलती हूँ, अभी मुझे देर हो रही है। अरे कहिए ना, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? हड़ताल है क्या आपकी आज? अरे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब ठीक है ना? कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। सब ठीक हो जाएगा आज से हमारे रिश्ते में। आज हमारी स्वागरात होगी केसर, फिर बताऊंगा तुम्हें पति और पत्नी का अंतर। तुम पहली दुल्हन हो जो शादी करके 21 दिनों तक अपनी मासू मतलब अपनी सासू माँ के कमरे में रही, पर पति से कब तक बचोगी तुम? आज सच्चे मायनों में तुम मेरी बनोगी केसर, फिर शुरू होगी तुम्हारी कैद, जिससे तुम्हें कोई आजाद नहीं करवा पाएगा, तुम्हारा दोस्त कबीर भी नहीं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे केसर मैम। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे केसर मैम। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे केसर मैम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये लीजिए केसर मैडम, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप हम सबकी वैलेंटाइन हो। थैंक यू सो मच। आपको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे केसर। मिसेस केसर सूरज राजकौर, आज तुम्हारी वैलेंटाइन नाइट को मैं बहुत स्पेशल बनाने वाला हूँ। गेट रेडी बेबी, क्लॉक इज टिकिंग। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। लाल गुलाबों के साथ तुम्हें मिलेंगे जिंदगी भर के कांटे। अरे ये क्या हो गया? जिंदगी भर की दोस्ती हो गई। ये स्लाइड अभी अधूरी है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए चाहिए इस लड़की की BFF यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर की फोटो। तो इस दोस्ती की शुरुआत हुई इन दोनों की जिंदगी की शुरुआत से, और फिर आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे है हमने वो दिन। तो जब ऐसी दोस्त हो जिंदगी में तो वैलेंटाइन कोई और कैसे हो सकता है? नहीं, हम तुमसे अपनी वैलेंटाइन बनने के लिए नहीं पूछेंगे केसर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम तो पहले से ही हमारी बेस्ट फ्रेंड वैलेंटाइन हो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे दोस्त। थैंक यू कबीर। हेलो बापूजी, तुम्हारी दवा। કહો હું જાણું છું તું મારાથી નારાજ છે, લેકિન એસે આંખે મત ફેર મુઝસે, દુખ હોતા હૈ। બાપુજી
मैंने आपकी आंखों में हमेशा अपने लिए प्यार देखा था, पर आज मुझे इन आंखों में अन्याय नजर आता है। ऐसे मैं चाहूं भी तो कैसे देखूं आपकी आंखों में? अंबिका बहू, मैं जानता हूं तेरे नजरिए से देखने पर तुझे मेरा फैसला गलत लग रहा होगा, लेकिन एक बार मेरे नजरिए से सोचो, क्या करता मैं? कबीर को उस जुर्म की सजा मिली थी जो बेचारे ने कभी किया ही नहीं था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अंबिका बहू, मैं मानता हूं बहुत अन्याय हुआ है तुम पर। जो भी गलती की थी वो धीरन ने की थी। अंबिका बहू, अब तुम्हें बताओ इसमें कबीर की क्या गलती थी और मेरी क्या गलती है? बापूजी, मुझे किस जुर्म की इतनी बड़ी सजा मिली? मैंने जब भी अपने पति का नाम लिया, इज्जत से लिया, अभिमान से लिया, लेकिन मेरे पति के इस सच ने एक झटके में मेरे जीवन भर के अभिमान को छीन लिया। अंबिका बहू, उस रात मंदिर में जब धीरे ने मुझसे बात बताई थी, अंबे माना सोगन खाने कहूं छू, मुझे सबसे पहले तेरा ही ध्यान आया था, और फिर इतने साल बिस्तर पर पड़े पड़े मैं अपने फैसले के बारे में सोचता रहा। मुझे एहसास हुआ कि पिता की गलती की सजा उसके बेटे को देना गलत है, बहुत गलत है। एक गलती धीरन ने की थी और दूसरी गलती मैंने कर दी। धीरन के जाने के बाद ये एहसास मुझे हर पल परेशान करने लगा। शांति कहो, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कबीर में धीरन दिखने लगा, अपनी गलती को सुधारने का एक मौका दिखने लगा, और ये ख्याल जाने कब लेकिन मेरे लिए जीने का एक लौटा सहारा बन गया। बापूजी, आपको कबीर में अपना बेटा दिखाई देता है, पर मुझे कबीर में अपने पति का धोखा दिखाई देता है। आपको कबीर में अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिखाई देता है, लेकिन मुझे इसमें अपने पति का पाप दिखाई देता है। आपको कबीर में जीने का सहारा दिखाई देता है, लेकिन उसे देखकर मुझे जिंदगी से नफरत होने लगी है। आपके लिए कबीर और मेरे लिए कबीर अलग हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कंट्रोल सूरज, कंट्रोल। ये गुस्सा आज रात के लिए बचा कर रख। शादी के बाद आज पहली बार केसर तेरी पत्नी बनकर इस कमरे में आएगी, तब दिखाऊंगा उसे उसकी औकात।
अपने दोस्त को कोई ऐसे रुला के विश करता है क्या? अब हम तो दोस्ती निभा रहे थे, हमारा दोस्त ही रोतुल निकला तो हम क्या करें? नहीं हो गया तुम्हारा मजाक? वैसे सेलिब्रेट कर लिया हमने, अब थोड़ा काम भी कर ले। हाँ जल्दी से काम खत्म करते हैं, उसके बाद घर भी जाना है ना? गेट रेडी बेबी, क्लॉक इज टिकिंग। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। केसर हमें बहुत अच्छे से याद कि तुमने हमें तुम्हारे और सूरज के बीच आने से मना किया। छोड़ो कबीर, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। अपने आप को डिफेंड करना मुझे अच्छी तरह से आता है, बातों से भी और फिजिकली भी। अगली बार ध्यान रखना। और हम ये भी जानते हैं कि तुम हर मुश्किल को बड़ी आसानी से सुलझा सकती हो, पर फिर भी दोस्त होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार आवाज दे देना, हम पलक झपकते ही आ जाएंगे। तुम्हें जानती हो कबीर, पर जिंदगी में कुछ लड़ाइयाँ होती है जो हमें खुद ही लड़नी पड़ती है और अकेले ही जीतनी होती है। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी दोस्त इतनी भी वीक नहीं है कि सूरज उसे इतनी आसानी से तोड़ दे। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आजा केसर। छुटकी ले वे ससुराल गेंदा फूल, सास गाड़ी देवे देवर समझा ले वे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल कांग ना भावे डेरा पिया का, सास गाड़ी देवे देवर जी समझा ले वे ससुराल गेंदा फूल। हम सब डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन डांस किस खुशी में कर रहे हैं ये तो बताइए। लो आप खुशी की वजह भी हम ही बताएं इसे। 21 दिनों का वनवास हुआ खत्म बहुरानी, अब होगी हमारी लाडो की सुहागरात। और सुहागरात आई भी तो वैलेंटाइन वाली रात, क्या संजोग है। अब पता चला हेतल तुझे किस खुशी में नचा रही थी, या डिटेल में समझाएं? बस अब बहुत हो गई छेड़खानी, इसे और तंग मत करो। केसर बेटा आज तेरी जिंदगी का नया पड़ाव शुरू हो रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरा और सूरज का रिश्ता कैसे कैसे इम्तहानों से होकर गुजरा है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि सूरज ने अपनी गलतियों से सीख ली और वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। अपने पति के पास आने में इतना ड्रामा करती हो और हमेशा अपने दोस्त के कमरे में घुसी रहती हो। मेरे छूते ही कांटे चुभते हैं और इसके छूने में मजा आता है तुम्हें। तूने अपना वादा निभा दिया, मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी गृहस्थी शुरू कर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ऐसे कैसे शुरुआत करेगी अंबिका भाभी? हम केसर को दुल्हन की तरह सजाएंगे, संवारेंगे, इसका रूप निखारेंगे, फिर ये चांद का टुकड़ा बनकर जाएगी अपने सूरज के पास। सब करने की क्या जरूरत है काके? हाँ हाँ शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं, दिल कुछ कहता है होंठ कुछ और कहते हैं, पर सच सच बता अंदर ही अंदर मन ही मन सूरज के लिए तैयार होने का मन तो बहुत कर रहा होगा, है ना? ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो भोलेनाथ? मन तो कर रहा है कि हम अभी के अभी जाकर अंबिका काकी को सब कुछ सच सच बता दें, पर केसर ने मना किया है इसीलिए हमारे हाथ भी बंधे हैं और हमारी जुबान भी। पर आप तो भोलेनाथ हो, मदद करो ना हमारी दोस्त की। अरे चल चलिए भाभी चलिए चलो। Thank you.
शर्माओ मत दुल्हनिया, अंदर जाओ और मनी मन नहीं ऊपर से भी तो मुस्कुराओ। सच में हेतन, ये लड़की पहले किसी के भी कमरे में धड़ाम से घुस जाती थी और अब देखो चौखट के आगे बढ़ भी नहीं रही है। अब तो यही कमरा तेरा ठिकाना है बेटा, पिया का आंगन ही नया बसेरा है। अपने दो कौड़ी के दोस्त के साथ जितना घूमना है घूम लो केसर, आखिर में जब भी गिरोगी संभालेगा तो पति। छोड़िए सूरज, छोड़िए। ये सारी डेकोरेशन तुम्हारे लिए केसर सूरज राजकौर, तुम्हारे स्वागत के लिए खुद अपने हाथों से सजाया मैंने। आफ्टर ऑल आज की रात हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना?